भारतीय जनता पार्टी व हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने आज पीलीभीत पहुंचकर संजय सिंह गंगवार को जिताने के लिए जनसभा को संबोधित किया। पीलीभीत 127 सदर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार ने आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिखाई अपनी पूरी ताकत। ब्रह्मण राजकीय इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने संजय सिंह गंगवार को पीलीभीत की जनता से भारी मतों से जिताने की अपील की और उन्होंने कहा कि मैंने पिछली बार पीलीभीत की जनता से संजय गंगवार को जिताने की अपील की थी और आप लोगों ने इन्हें विधायक बनाया, इस बार भी आप इनको विधायक बना दो, इनको बड़ा नेता बनाने का काम मैं कर दूंगा। आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि तीन चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। पीलीभीत वालों, क्या तीन चरणों के चुनाव का परिणाम जानना चाहते हो? तीनों चरणों में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी तो दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के काम करे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो काम किए हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और सातवां चरण आते आते यह लहर सुनामी में बदल जाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है, वह जीरो टॉलरेंस के साथ है। हमारा संकल्प आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, किसी भी मजहब, किसी भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से उखाड़ फेंक देना चाहिए। आगे प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें प्रियंका जी से पूछा गया कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है, तो उन्होंने कहा ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो संकट मोचन मंदिर में बम धमाका हुआ था जिसमें कई निर्दोष लोगों की जाने गई थी और लखनऊ में भी बम धमाका हुआ था। जिन गुनाहगारों ने यह किया था उन सभी को छोड़ने का घोषणा पत्र में वादा किया था समाजवादी पार्टी ने, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल कर दिया तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाते। आगे उन्होंने धारा 370 का भी जिक्र किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिन का नाम लेकर समग्र विश्व में साहबजादों के बलिदान को स्मृति करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे साथ सभी बोलिए, जो बोले सो निहार। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, चरण के चुनाव समाप्त हो गए वालों, तीन चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है बता दो। मैं सब जगह घूम के चौथे चरण में आया हूं, बता दो पक्का? ये तीनों चरण में सपा और बसपा दोनों का सुपड़ा साफ और कांग्रेस पार्टी तो दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है। मित्रों, दूरबीन लेकर आज यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश जिस प्रकार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, बहुत जगह आप सीधे खड़े हो जाओ, उसके जो विकास के काम करे हैं, गरीब कल्याण के जो काम करे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो काम करे हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूँ, सातवें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है। सुनामी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहे थे। हमारा संकल्प आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अभी अभी बहन प्रियंका का नया इंटरव्यू लेकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है, इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बताओ भाइयों बहनों,
आप एक बार का निर्णय कर लो, एक और कांग्रेस। पीलीभीत से हमारे संवाददाता निजाकत अली की रिपोर्ट।